तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज का दिन दोस्तों डिक्सन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जहां पर इसके Q4 के नंबर आने थे, डिविडेंड आना था और दोस्तों फंड रेजिंग रिलेटेड अनाउंसमेंट भी होना था। तो तीनों दोस्तों आ चुके हैं, अब यहां पर कैसे रहे हैं नंबर पूरा एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूं। क्या यहां पर पॉजिटिव है, क्या यहां पर नेगेटिव है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कितना डिविडेंड है और क्या यहां पर न्यूज़ निकल के सामने आ रही है फंड रेजिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो में ये सब हम कवर करने वाले हैं। और टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे दोस्तों, कल के दिन इन सारी न्यूज़ का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है शेयर पे, क्या कल शेयर प्राइस में करेक्शन आएगा या फिर भागेगा, ये आपको मैं विद एग्जांपल दोस्तों समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को दोस्तों ऐसे ही अपडेटेड कॉन्टेंट के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर पहली न्यूज़ है दोस्तों Q4 के नंबर आ चुके हैं, इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। सेकंड चलते हैं डिविडेंड पे, तो डिविडेंड दिया है दोस्तों इन्होंने, फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है ₹1 पर इक्विटी शेयर का। तो दोस्तों यहां पर आपको पता है डिक्सन एक डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, हमको हमेशा इसको एज ए ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस कंसिडर करना है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फंड रेजिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों ये फंड रेज करने वाले हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये NCD के थ्रू जाएंगे, किस रूट के थ्रू ये फंड रेज करेंगे, NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी QIP और या फिर ये जितने भी बॉन्ड्स के थ्रू, ये आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर वे मेथड्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि QIP के थ्रू ही जाएंगे, जैसा भी हमेशा हमको देखने को मिलता है, लेकिन अभी कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसी दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम अपडेट कर देंगे, लेकिन कन्फर्मेशन है दोस्तों यहाँ पर ये फंड रेज करने वाले हैं। तो ठीक है, ये हमने देख लिया, अब चलते हैं रिजल्ट की ओर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट हैं 31 मार्च 2021 के। तो कंसोलिडेटेड हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो इनकी सब्सिडीज है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिक्सन ग्लोबल या दो चार और हैं, तो उनके थ्रू ही अपने EMS के बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि इनकी 100% सब्सिडरी है, तो उनका भी हमको कंसिडरेशन में लेना है, तो इसलिए हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। तो 857 करोड़ का जो रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल मार्च क्वार्टर में था, वो बढ़ के हो चुका है 2100 करोड़, तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं दिसंबर की हम बात करें तो देखिए करीब 2182 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो कम होकर रह चुका है दोस्तों ओनली 2100 करोड़, तो यहाँ पर मार्जिनली हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, तो क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ का प्रॉफिट देखिए दोस्तों बढ़ के हो चुका है 44 करोड़, तो शानदार यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगेन 61 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लाइन होकर रह चुका है 44 करोड़ का Q1Q में, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी Q1Q में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। EPS भी 4 से बढ़ के year-on-year 7 हो चुका है, लेकिन Q1Q देखिए 10 से घट के 7 रह चुका है, तो year-on-year अच्छे नंबर हैं, लेकिन Q1Q बात करें, Q3 की बात करें FY21 की, तो वहाँ पर अच्छे नंबर थे, लेकिन इस बार Q4 में इनके नंबर इतने अच्छे नहीं देखने को मिल रहे। अब इसको दोस्तों मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा विद प्रेजेंटेशन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों हाईलाइट्स में हम देखें तो 146% की रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो पिछले साल Q4 में थी 857 करोड़ और अब की बार वो बढ़ के हो चुकी है 2100 करोड़ के आसपास, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। EBITDA देखिए 45% की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 60% की ग्रोथ, ठीक है। अब अगर ईयर एंडेड हम बात करें तो 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, अगर प्रॉफिट में बात करें 33% की ग्रोथ, लेकिन दोस्तों ये है पॉजिटिव। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर, नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनके मार्जिन्स में। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे इनके मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर Q4 की बात करूँ FY20 की या फिर इस क्वार्टर की, तो आप देखेंगे 2.7% की हमको यहाँ पर मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर ईयर एंडेड हम बात करें तब भी दोस्तों यहाँ पर 0.07 हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे अगेन -1.1% का यहाँ पर जो है नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ईयर एंडेड की बात करें तब भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मार्जिन के हिसाब से देखें तो मार्जिन दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव्स भी हम देखते हैं और क्या पॉजिटिव्स हैं। तो कैश फ्लो की हम बात करें सबसे पहले, चलिए बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए पॉजिटिव क्या है, जो नेट डेट था दोस्तों इनका 1300 करोड़ का, वो घट के रह चुका है इस क्वार्टर में 805 करोड़, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि डेट इनका दोस्तों पहले भी जो था मतलब ठीक ठाक था, लेकिन और इन्होंने कम कर लिया है, जो कि एक बिग पॉजिटिव है। डेट कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने अपने कैश को बढ़ाया, मतलब यहाँ पर रिजर्व्स इनके बढ़े हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। वहीं हम कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेशन ऑफ INR 216 लाख, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। फ्री कैश फ्लोज ये जनरेट कर रहे हैं, वो भी अच्छे अमाउंट में, तो ये पॉजिटिव है। अब चले टेक्निकल चार्ट पे, इन सब चीज़ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा कल के दिन में। तो देखिए आज दोस्तों ये जो न्यूज़ आई है सारी मार्केट आवर्स के बाद आई है, तो कल हमको इसमें शेयर प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो कल दोस्तों यहाँ पर
ऐसा अनुमान मेरा है कि देखिए कल हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अनुमान है सिर्फ, क्योंकि देखिए आज हिंदुस्तान फूड के रिजल्ट आए, हिंदुस्तान फूड के रिजल्ट दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी अच्छे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे थे, लेकिन दिक्कत का सामना कहाँ करना पड़ा उसको, मार्जिन में। जैसा मैंने आपको कल बताया था वीडियो बना के, मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, उसकी वजह से शेयर में आज हमको करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर दोस्तों मार्जिन में डिक्सन के भी थोड़ा सा हमको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं मार्जिन, तो हो सकता है कल के दिन में हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल जाए। देखिए दोस्तों मार्केट है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। जो यू नो विद एग्जाम्पल, जैसे हिंदुस्तान फूड का मैंने एग्जाम्पल दिया, उनके भी मार्जिन अच्छे नहीं थे तो इसलिए करेक्शन देखने को मिला। हो सकता है इनमें भी करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों इसमें करेक्शन आया तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करने की अच्छे लेवल पे। अगर नीचे आता है, मान लीजिए जब वैसे तो 50-day मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट ले रहा है, एक देखिए आप एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल पे भी दोस्तों ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि अपने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो करीब करीब ये 10% के आसपास करेक्टेड हमको देखने को मिल रहा है, तो स्टिल अभी एक मौका है। और जैसे दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी, लॉकडाउन हटेंगे, शटडाउन जो है ओपन होंगे, आपको डिक्सन टेक का दोस्तों शेयर वापस से भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए तो आप जरूर दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट में रहेंगे। शॉर्ट टर्म का रखेंगे तो हो सकता है दोस्तों ये फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा सा दिक्कत दें। तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं और नीचे गिरे तो और दोस्तों इसको एवरेज कर सकते हैं। कल के दिन देखते हैं दोस्तों कैसा यहाँ पर मार्केट में इसका जो है परफॉर्मेंस रहता है, तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, जहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्ड रिजल्ट का एनालिसिस करके बताया क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। यहाँ पर फंड रेजिंग रिलेटेड न्यूज़ अभी अपडेटेड नहीं है कि कितने फ्लोर प्राइस पे QIP आ सकता है, NCD आएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बाद में आपके साथ अपडेट करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।